हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये मंडे मॉर्निंग का व्लॉग है और फिर सुबह ही हनु के पापा को कटिंग करनी थी और फिर हम सुबह सुबह खींच रहे थे लाइनिंग। सोते उठते पहले लाइनिंग ही खींच रहे थे। वैसे तो ये काम हम मोस्टली रात में कर लेते हैं, लेकिन रात में हनु ना फिर जब लाइनिंग खींच रहे थे तो हनु परेशान कर रहा था, वो खींचने लग गया था। फिर उसको देख के बिठा दिया था। फिर ये बोले कि चल सुबह ही खींच लेंगे उठ के। और सबसे पहले फिर आज काम हो गया लाइनिंग खींचने का, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी रसोई में चाय बनाने के लिए। और देखो, ये मैंने यहाँ पे आके कर लिया है फिर रसोई में पानी गर्म, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन होता है। सुबह उठते पहले मैं गर्म पानी करती हूँ पीने के लिए अपने, उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ हम दोनों की। और ये मैंने अदरक भी डाल दिया है चाय में घिस करके, और बस दो कप चाय बनानी है। हनु अभी सो रहा है। हनु तो वैसे भी चाय पी ना तो वो चाय पीता है ना ही वो दूध पीता है। पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा, बस चाय दूध से तो ये इतना फ्रेज करता है। और अब मैं चाय बना लेती हूँ, फिर चाय मतलब कि चीनी पत्ती डाल देती हूँ उसमें दूध वगैरह, और उसके बाद फिर मैं पीऊँगी बैठ करके अपना गर्म पानी, क्योंकि इतना मैं पानी नहीं पीती ना, डेली की हैबिट है मेरी पानी पीने की। गर्मी में मैं ठंडा नॉर्मल पानी पीती हूँ, और अब कई 2-3 महीने से तो अब गर्म ही पी रही हूँ, 2-3 का ज़्यादा ही हो गया। और देखो, जितना मैंने पानी पिया हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई। अब चाय में छान ली है और बस अब चाय लेकर के चलते हैं हनु के पापा के पास। और हनु के पापा कर रहे हैं कटिंग और मैं चाय लेकर आ गई। और देख लो, इन्होंने सारे बेड पर कैसे कपड़े वपड़े फुलाए हुए हैं, टेबल पर भी। अब मैं ये थोड़े से कपड़ों की कर देती हूँ सेटिंग कर देती हूँ इनकी, थोड़ा सा साइड से मैं लगा देती हूँ। फिर बैठ करके पियेंगे आराम से चाय, इतना हनु के पापा भी आ जाएंगे। और देखो, ये भी आ गए थे फिर, और ये ब्लाउज पीस ले रहे थे, ये खोलने वाला था। फिर मैं बोली कि चलो मैं भी खुलवा देती हूँ, फिर ये खुद ही खोले। कह रहे कि थोड़ा ही काम है, ज़्यादा नहीं है इसमें खोलने का। बहुत से पीस तो ऐसे होते हैं कि वो पूरा ही खोलना होता है, आधा घंटा तो मिनिमम उनमें खोलने खोलने में ही लग जाता है। कटिंग तो फिर बाद में होती है। और फिर यहाँ पे हम पीने लग गए थे चाय। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए सुबह की। चाय पीने के बाद फिर मैं लगूँगी अपने काम में, झाड़ू पोछा करने में। और यहाँ पे फिर अब मैं आ गई हूँ रूम में। मैं ये सारे जो डोरमेट हैं इनको अच्छे से झाड़ करके एक साइड रख देती हूँ, उसके बाद फिर लगाएंगे झाड़ू। ये देखिए, मैंने किचन रसोई से भी ले लिया, कमरे से भी, और ये यहाँ से भी सारे डोरमेट हैं जितने भी, सब उठा लिए हैं। और ये मैंने पहले बेड के नीचे पहले तो नहीं डाला हुआ था, अब डाल दिया, क्योंकि हनु नंगे पैर घूमता रहता है बेड से नीचे उतरता है तो इस पर खड़ा हो जाता है। और देखो, मैं अंदर आई थी तो हनु उठ गया था फिर ये करवट लेके। वैसे तो ये कई बार ऐसा करता रहता है, बीच बीच में करवट लेता रहता है, उठता है। और ये रात में मैंने लाइनिंग धो के डाली थी, जो थोड़ी तो खींच ली थी, थोड़ी ये थी, तो ये मैं रख दूँगी, ये मैं बाद में खिंचवा दूँगी। फिर अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए रसोई में। और सुबह सुबह ना जब मैं उठती हूँ तो मैं स्टोल रखती हूँ अपने मतलब कि सर पे, मुझे कपड़ा ज़रूर चाहिए होता है, नहीं तो फिर मेरे सर में दर्द होता है। वैसे तो मैं मोस्टली रात में भी कंबल तो मैं नहीं रखती, मुँह नहीं रखती मैं कंबल से, इसीलिए मैं फिर स्टोल ही लेके सोती हूँ रात में सर पे। और सुबह को भी मुझे ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि सर पे मेरी अगर हवा लग गई माथे में फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए मुझे स्टोल की रिक्वायर होती है सुबह ही। अभी ठंड हल्की अभी है, आगे भी वैसे तो रहेगी, फिर कैप वगैरह लगा लेती हूँ। सर की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा रहती है ठंड में। और मैं यहाँ पे अच्छे से कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि हनु के खिलौने ना अलमारी के नीचे, मैं तो इसके टोकरी में रखती हूँ पर ये ऐसे ही फेंकते रहता है। देखो, बेड के नीचे से भी निकले हैं, और बेड के नीचे भी मैं जहाँ तक झाड़ू जाती है अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और जब नहीं जाता झाड़ू, बहुत मतलब कि कहती हूँ 2-3 दिन में या ज़्यादा भी हफ्ते में एक बार में, फिर पोचा होता है जो वो डंडा लेके लंबा सा, उस पर पोचा लपेट के गिल्ला, उससे साफ कर देती हूँ, उससे साफ हो जाता है बेड के नीचे। और बस अब झाड़ू लगा लेते हैं सारे को अच्छे से। और ये देखिए, फिर मैं झाड़ू उधर दूसरे रूम में भी लगा करके आ गई थी यहाँ पर बाहर। अब सारे को झाड़ू भी लग गई है, बस फिर करेंगे सफाई बाथरूम की बाहर गेट पे, मेन गेट पे,
क्योंकि ये मैं पहले कर देती हूँ, फिर पोछा लगाने के बाद करूँ तो फिर यहाँ पे गीला गीला पैर हो जाते हैं, चप्पल गिल्ली, फिर वो भी निशान चपते हैं। तो इसीलिए मैं पोछा लगाने से पहले ही बाथरूम की सफाई और मेन गेट बाहर की सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पे हनु के पापा तो अभी कटिंग ही कर रहे थे, और फिर ये डेली का काम मेरा यही होता है सुबह उठते ही, और इतना बिजी होता है, बस ऐसा सोचती हूँ कि हनु के उठने से पहले पहले सारा काम हो जाए। बहुत सी बार तो वो उठ के बैठ जाते हैं ना, फिर बस कोई काम नहीं होता, फिर वो बाथरूम में भी लगेगा, पोछा लगाऊंगी तो पोछे की बाल्टी में भी, झाड़ू लगाओ तो फिर झाड़ू उसको चाहिए। और मैं यहाँ बाथरूम में भी साफ कर देती हूँ अच्छे से झाड़ू से, देखिए बाल्टी धुल धुल के अच्छे से रख देती हूँ मैं। और फिर यहाँ पे बाथरूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर पानी लेकर के चलते हैं बाहर, बाहर झाड़ू लगा देंगे मेन गेट पे। पानी डालती हूँ, डेली डालती हूँ, बाथरूम की सफाई तो देखो अब जो हो ही रही है। और बाथरूम में उन्हें थोड़ा मतलब कि काला सा हो रही है, ये जो फर्श है टाइल्स इतना रगड़ते रगड़ते मेरे तो हाथ दर्द करने लग जाता है। बस बाथरूम की सफाई हो गई, अब पानी लेकर के चलते हैं बाहर गेट पे। अब मैं गेट पे पानी डाल देती हूँ, और ये 8 बजे के टाइम था, बच्चे जा रहे थे स्कूल में, इस टाइम पे थोड़ी भीड़ भाड़ सी हो जाती है गली में, क्योंकि ये बच्चों के स्कूल का टाइम होता है। और मैं यहाँ पे अच्छे से पानी डाल के गेट पे फिर साफ कर दूँगी झाड़ू से पानी, क्योंकि मेन गेट पे तो मतलब कि थोड़ा सा हट के ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गहरा हो गया है, ढलान सा है, तो वहाँ पे ना पानी भर जाता है। पड़ोस में जो आंटी भी डालते हैं, धोते हैं अपने गेट के सामने पानी, तो हमारे यहाँ पे आके वो भर जाता है, फिर मुझे बहुत सी बार तो दो दो तीन तीन बार झाड़ू लगानी पड़ती है गेट बाहर गली में। और फिर अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, अब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। अब सारे को पोछा लगा लेते हैं अच्छे से, और अब मैंने स्टॉल उतार दिया था क्योंकि अब उठे हुए काफी देर हो गई थी, इसीलिए अब उतार दिया। फिर पोछा लगाते टाइम भी थोड़ा प्रॉब्लम सी होती है। अब मैं कमरे में लगा लेती हूँ, रसोई में लग गया, कमरे में लगा लेती हूँ, और बस ऐसे ही सारे को पोछा लगा लेते हैं जल्दी से। और इतना मैंने झाड़ू पोछा मतलब सारा काम से फ्री हुई, इतना बज गए 8:30, फिर दूध का भी टाइम हो गया था क्योंकि 8:30 बजे हम दूध लेके आते हैं। फिर मैं जा रही थी नहाने, हनु के पापा बोले कि बाद में चली जाना नहाने, पहले दूध ले आ, नहीं तो फिर हनु उठ गया तो फिर वो भी साथ में जाएगा, और साथ में जाता है फिर रास्ते में भी परेशान करता है शॉप पे, बस मम्मी चेजी चेजी चॉकलेट, सुबह ही उठते इसको चॉकलेट चाहिए होती है, दुकान पे जाएगा फिर। और यहाँ पे मैं पोछा लगा के आ गई थी बाहर, और अब मैं सारे को पोछा लग गया है, बस मेरे ये यहाँ पर रह रहा है, और जल्दी से पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे दूध लेने के लिए, फिर आके नहाना धोना। वैसे तो मैं मोस्टली नहा करके जाती हूँ, इस टाइम तक काम हो जाता है, नहा करके तब जाती हूँ, बहुत सी बार लेट हो जाता है तो फिर ऐसे ही चली जाती हूँ, या हनु के पापा भी चले जाते हैं दूध लेने। अब ठीक है, पोछा लगाने के बाद अब मैं ये जो डोर मेट हैं सारे ये डाल देती हूँ इधर अंदर। अब थोड़ा ना डले रहते हैं तो हनु पापा बोलते हैं कि सारे कुएं भी छा रखे हैं, मगर ना ठंडा फ्रेश हो रहता है, और फिर हनु ना सॉक्स इतनी बार डालती हैं उसको बार बार निकाल के फेंक देता है। तो बस अब मैं सारा काम हो गया, अब नहा के आऊँगी, बाद में नहाऊँगी, पहले ले आती हूँ मैं जा कर के दूध, और मैं दूध का डब्बा लेने गई थी रसोई में, दूध लेके चलते हैं। फिर मैंने आलू बॉईल करने रखे हुए थे ना, तो मैं वे आलू भी ना इतना आऊँगी तो आलू ठंडे हो जाएंगे। और देखो मैं दूध लेकर के आई थी, फिर मैंने गर्म भी रख दिया, तो हनु उठ गया था इतना अगले कंबल से बाहर लेटा हुआ है। और फिर मैं उसको बोली थी कि बेटा उठ जाओ सुसु कर लो, तो बोला था मम्मी नहीं नहीं सुसु नहीं, क्या अभी सुसु आई नहीं है, और ऐसे ही बोलता रहता है और फिर बेड पर कर देता है।
तो मैं फटाफट से कंबल तय करके रख देती हूँ पहले, और फिर ये पर्दे हटा देती हूँ, खिड़की से आ जाएगी थोड़ी धूप। उसके बाद फिर अनु को सुसु करा के लेके आऊँगी। और बस ये मेरा डेली का सुबह का यही रूटीन होता है। और आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब देखें हनु को सुसु करा के लाते हैं, और बस अब ये सुसु करके फिर मैं अपना नहा धोना, फिर नाश्ता पानी, बस यही काम। और आगे का मैं करती इसमें सूट तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसीलिए बस मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।